नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में इन दिनों प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है। सावन का महीना होने के चलते कांवड़ यात्रा भी हो रही है और ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से उत्तराखंड के स्थित अलग अलग तीर्थ स्थलों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान नदी में बहने, भीड़ होने, यातायात बाधित होने, बादल फटने, भूस्खलन, जल भराव इत्यादि जैसी अन्य समस्याओं भी हर दिन दो चार होना ही पड़ रहा है। ऐसे समय में अपनी जान की परवाह न करके उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर उभरी है, इसको आप आगे वीडियोज में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और उत्तराखंड पुलिस के लिए एक सैल्यूट दिल से करें। दोस्तों, आगे आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे पुलिस आम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती हुई नजर आ रही है। नदी की तेज धारा के बीच बहते लोगों को देखकर उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद कर उनकी जानें बचाई। इंसान तो इंसान, जानवरों तक को पुलिस के जवान दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं टापू में फंसे टूरिस्ट की बात हो, भटके हुए कांवड़ यात्रियों की बात हो, लोगों की जान बचाना हो, कांवड़ की भीड़ को नियंत्रित करना हो, या सड़क से बोलर हटाकर यातायात को सुचारू करना हो, बीमारों की मदद करना हो या घायलों को अस्पताल तक पहुँचाना हो, कांवड़ियों की सेवा करना हो या बड़े से बड़े खतरे से उनको बचाना हो, यात्रियों और कांवड़ियों की कुशलता का हर संभव प्रयास करते हुए हर पॉइंट पर उत्तराखंड पुलिस सबसे आगे रहकर लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब लोगों को लगा कि अब उनके जीवन का अंत निकट है, उत्तराखंड पुलिस NDRF SDR की टीम ने उन्हें उस मुश्किल परिस्थिति से बचाया और अभी भी लगातार रेस्क्यू के माध्यम से लोगों की जान बचा ही रही है। ऐसे कई उदाहरण उत्तराखंड से सामने आए हैं जहां पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई है। इन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया जाना भी चाहिए और पुलिसकर्मियों की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए आगे वीडियोस में देखते हैं कि किस तरह मानव रूप में उत्तराखंड पुलिस इस आपदा में देवदूत बनकर लोगों और पशुओं तक की जान बचाती हुई नजर आ रही है। आप इमरती धाम की यात्रा करके आ गए वापस? यात्रा करके आ गए, बहुत अच्छा रास्ता था। रात की भारी बारिश के बाद सब कर्मचारियों ने, ऑफिसर ने,
छोटे कर्मचारियों से हमने काफ़ी अच्छी मेहनत की और पूरा रास्ता हमें साफ मिला, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। धन्यवाद है कि कहीं सेवा में आप लोग देते, कहीं जगह पे आप लोग सेवा देते, आप लोग का कोई भी धन्यवाद है। आभार।